मास्टर माड़े काम करता ही तो बच्चियां साड़ियां सानू घर जाग नहीं दसदियां दसदियां डा इन्हें धमकाया ही कि तुहानू मैं मारूंगा जे तुसीं अपने माँ प्यो नूं दस्या घर जा किते ये नहीं कहा भी इहनूं असीं कोई इहदे स्टैप चुकीए कोई कारवाई करिए ओह वाली गल गई गल इन्हें गोलमोल कर। अमृतसर के हलका मजीठा अधीन आउंदे पिंड रख भंगवां तो शर्मसार करन वाली घटना सामने आई है जिथे गुरु का दर्जा देने वाले एक अध्यापक वालों छोटिया बच्चिया नाल अश्लील हरकत कीतिया जांदियां सी। दरअसल सर्दियों के छुट्टियों तो बाद बच्चिया स्कूल नूं जाण लई नहीं मन रही सन। मापिया वालों जो सख्ती नाल पुछा गया तो बच्चिया ने दस्या कि एक अध्यापक उन्हां नाल अश्लील हरकत करता है तो इसलिए वह स्कूल जाण तों डरदियां ने। तुहानूं दस दिए कि बच्चिया तीजे ते चौथी जमात विच पढ़दियां ने जिन्हां दी उम्र 7 to 9 साल है अते स्कूल दे अध्यापक वालों उन्हां नाल अश्लील हरकत कीतियां जांदियां सन। इस मामले में अकाली दल के उगे लीडर अते साबका मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही निंदरयोग घटना है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अते पुलिस नूं उस अध्यापक खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है उसते भावें मामला दर्ज हो गया है पर उसनों सस्पेंड करना चाहिए है कड़ी तो कड़ी सज़ा देनी चाहिए है। इस मामले च पुलिस का भी बयान सामने आया ये बच्चे साढ़े ना जी ये घटना हुई है जी मास्टर माड़े काम करता ही तो बच्चिया साड़ियाँ सानू घर जाग नहीं दसदियाँ दसदियाँ डा इन्हें धमकाया ही कि तुहानू मैं मारूंगा जे तुसीं अपने माँ प्यो नूं दस्या घर जा किते वो डरदियाँ नहीं दसदियाँ ते कल सानू जी पता लगा इह गल दा कदों दी घटना है घटना नूं ते हो गए 8 दिन एक मैडम दा भी नाल रोल है विच कि जिन्हों फोन किया ही तो उन्हें कहा कि मैं बदली करा देनी है मास्टर की तुसीं ना रौला पायो तो जी कल गल करनी ही तो कल सानू सारा पता लग गया फिर मामला खराब इत्थे हो गया। 8 दिन पहला गल चलती रही जी छुट्टियां तो पहला कि छुट्टियां तो बाद पहला छुट्टियां तो मतलब चलदा रहा काम। अच्छा जी 8 दिन और तुहाडी बच्चियां ने तुहानू कुछ नहीं दस्या मैडम ने टक ते जिहड़ी लेडी ने गल कीती ना जिन्ने कीती गोना ने गल कीती उन्हें कहा भी अहीं बदली करा दांगे इहदी इत्थों उसे मास्टर दी ओहनूं इह नहीं कहा राकेश कुमार आ इह नहीं कहा ओह मजीठे दा जी इह नहीं कहा भी इहनूं अहीं कोई इहदे स्टैप चुकीए कोई कारवाई करिए ओह वाली गल गई गल इहने गोलमोल करती पर हरकतां माड़ियां करदा रहा बहुत ज्यादा जी बच्चे डरदे स्कूले नहीं आउंदे इह सुणो जी बच्चे डरदे घर मां प्यो मारदा सी अहीं ते इहो कहणा भी स्कूले जाओ तुसीं क्यों नहीं जांदे ओह डरदे दसदे नहीं ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਭੰਗਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਖ ਭੰਗਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 4th-5th class ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 400 ਅਤੇ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਖ ਭੰਗਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਬਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।